तो फिर उस वीडियो को जाके देख लो। तो फाइनली जो लड़के लोग बाहर के स्टेट में जाते हैं काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे अच्छा खासा जॉब मिल जाता है और ऐसे काम मिल जाता है समझ लो, हर रोज 3 से 5 किलोमीटर रन करना पड़ता है, ऐसे काम मिल जाता है। तो फिर इस टाइम में क्या होता है ना, गाड़ी का ज़रूरत होता है, बाइक हो कहने की स्कूटी हो को। तो फर्स्ट टाइम जाते हो घर से, तो फिर फर्स्ट टाइम तो बजट भी नहीं रहते, पैसे नहीं रहते, तो कैसे गाड़ी लेना है। तो गाड़ी जो लेना है तो EMI में लो, ने EMI में जाओगे, और बजट ज़्यादा रहे तो नी में जाओगे, नी में जाओगे तो कोई दिक्कत है नहीं, उधर का कोई एक कुरूप दिखा के ले सकते हो। और कोई भी बोले तो क्या आधार कार्ड के अप्लाई करो तो फिर हो जाएगा। और अगर सेकेंड हैंड में जाते हो तो हर स्टेट में सेकेंड हैंड भी अवेलेबल रहता है, सेकेंड हैंड अवेलेबल रहता है। और सोच रहे हो EMI में लेंगे, तो EMI में लेने जाओगे तो क्या क्या प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो EMI में फर्स्ट टाइम जो है ना, कंपनी के अंदर काम करते हो तो रूम पे रहते हो, रूम रूम में जो रहते हो भाड़े पे, तो फिर वहाँ पे एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पेपर चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, बैंक का मिनी स्टेटमेंट चाहिए, नहीं तो बैंक का CV, ये सब डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए। ऊपर से जो रूम का ऑनर है, जो मालिक है, तो उस मालिक का जो आधार कार्ड है, नहीं तो मालिक को खुद शॉप में ले जाके ले सकते हो आधार कार्ड उनका लेके, और खुद का भी लेके, और जितना पेपर था वो भी लेके जाके फाइनेंस करा सकते हो। और बेस्ट जो है ना, EMI में लेना बेस्ट है, क्योंकि बाहर के स्टेट्स में जाके गाड़ी परचेस करोगे, फुल पैसे दे दोगे ना, तो हेरेसमेंट करेगा, क्योंकि हेरेसमेंट कैसे करेगा मैं बता रहा हूँ। जब गाड़ी समझ लो, एक गाड़ी देखा, अच्छा हुआ, वो गाड़ी को पसंद हो गया, तो वो उस गाड़ी को मॉडल पूछोगे कितना मॉडल है, तो बोलोगे 20 का है, 21 का है, यानी कि 22 का, 23 का है, यानी कि बोलेगा 6 महीने पुराना है, तो गाड़ी को मॉडल को देख के बता आ जाएगा, हाँ ये इतना दिन का पुराना है। और हो सकता है मतलब एक आइडिया आ जाएगा गाड़ी का कंडीशन देख के, मैं ये नहीं बता रहा हूँ सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। और ये डिटेल्स भी लेके आएंगे और एक वीडियो बनाएंगे, तो इसी पेज में आएगा। तो समझ लो गाड़ी देख ली, पसंद हो गया, उस गाड़ी को फाइनेंस कराओगे, तो गाड़ी का क्रैश जो हो वो एक क्रैश आएगा 40 हो को, 50 हो को, 20 हो को, 15 हो को, ऐसे आएगा 1000। तो फिर जब गाड़ी फाइनेंस ही कराओगे, तो बैंक से किसी कोई भी बैंक से आएगा आदमी, एजेंट आएगा, वो एजेंट द्वारा फाइनेंस ही करा देगा। तो फिर क्या है वहाँ पे, जब फाइनेंस ही कराओगे, पैसे दोगे, तो अब क्या चाहिए पता है, जो ओरिजिनल प्रूफ होता है ना, RC बोलो, इंश्योरेंस बोलो, यानी कि पॉलिसी बोलो, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ना ओरिजिनल लो। ओरिजिनल अगर नहीं दे पा रहा है, बोलेगा 2-3 दिन लेट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि EMI में लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल प्रूफ नहीं दे रहा है तो कॉपी ले लो उनका, और फास्ट ऑनर जो है, फास्ट ऑनर से बात भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर लेके बात भी कर सकते हो, गाड़ी क्यों बेच रहा है, क्या प्रॉब्लम था, गाड़ी का प्रॉब्लम था क्या, ये सब पूछ के ले सकते हो। ऊपर से फास्ट ऑनर का आधार कार्ड का कॉपी ले सकते हो, ये बाद में काम आ सकता है। हाँ, तो पुराना जो RC है वो भी तो जरूर वो सब वालों ने दे देगा, ये सब लेके कॉपी वगैरह सब लेके आ सकते हो। अगर यहाँ पे आप फुल पैसे दे के लेके आते हो सेकेंड हैंड गाड़ी को, तो फिर क्या होता है, एक तो गए हो दूसरे स्टेट से, वो लोग जान जाते हैं, जब गाड़ी परचेज करोगे उस टाइम वो जान जाएगा दूसरे स्टेट का आदमी है, ये सब लेके आया है। ऊपर से फास्ट ऑनर जो रूम का मालिक है, ऑनर, उनको लेके जाओगे तो बोला कि कैसे करा, गाड़ी दिला देगा, तो वो लोग जान जाएगा ये दूसरे स्टेट का है। तो फिर क्या करेगा, अगर पूरे पैसे से गाड़ी ले लोगे, तो फिर समझो 1.5 से 2 महीने के बीच टाइम देगा RC अपना नाम पे, मतलब गाड़ी का ओनरशिप चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे देखा जाएगा क्या 2 महीने का, 3 महीना, 5 महीने भी लगा देगा, ओनरशिप चेंज नहीं कराएगा, ठीक है ना। कराता भी नहीं है वो, सब बोलते हैं करेंगे करेंगे, और वैसे शॉप में जाओगे, शॉप वाला बोलेगा जो एजेंट था फाइनेंसिंग कराया था उनके पास जाओ, वो तो उसको साथ तो आपको बात भी नहीं हो पाएगा, ऊपर तो घूमता रहता है इधर उधर ये सब में, वो सब में, तब तो उसको बहुत बिजी रहता है, बात भी नहीं सुनेगा। तो फिर कभी कभार मिल भी जाएगा तो बोलेगा मैं पेपर सबमिट कर दिया हूँ, वो हो जाएगा, ऐसे बोलेगा, मतलब हेरेसमेंट कराएगा, और बोलेगा फास्ट ऑनर से पूछ लो, ये कर लो, उसका प्रूफ लेके आओ, ये सब बोलेगा। तो
तो फास्ट ऑनर सीधा बोलेगा मैं गाड़ी बेच दिया हूँ, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसमें इग्नोर कर देगा, कोई बात भी नहीं सुनेगा। तो फिर सबसे अच्छा जो है ना EMI में ले लो। अगर ऑनरशिप चेंज नहीं करा रहा है तो फिर क्या करने का, बोल दो सीधा मैं EMI नहीं भरूंगा, ऑनरशिप चेंज नहीं करा कर पूरा ओरिजिनल प्रूफ नहीं दोगे। तो ये हो गया 25 का। और अगर समझ लो गाड़ी परचेस कर ली और 1 महीना हुआ तो घर में आना पड़ेगा और गाड़ी को भी साथ में लेकर आओगे तो कैसे लेकर आओगे? ओनरशिप चेंज नहीं हुआ, फास्ट ओनर के ही नाम पे है गाड़ी। तो ये जो प्रोसेसिंग है ना, ये प्रोसेसिंग लेके और एक वीडियो लेकर आएंगे, तो वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो, इसी पेज में आएगा। तो फिर इतना ही बात था, और कुछ छूटा हुआ तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो फिर बाय।